गुड आफ्टरनून बच्चों बच्चों आज हम बीए थर्ड की फिफ्थ सेमेस्टर की जो पढ़ाई है वो शुरू करेंगे और पहला चैप्टर देखेंगे। बच्चों बच्चों मैं ऐसा करता हूँ कि आपने इंट्रोडक्टरी क्लास देखी होगी और इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह का है, क्या हमें पढ़ना है। तो बच्चों चैप्टर वन शुरुआत करते हैं। चैप्टर वन आर्थिक भूगोल का अर्थ, परिभाषा और संबंध, यानी नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि बच्चों भूगोल का, आर्थिक भूगोल जो है मानवीय भूगोल का एक उपभाग है जिसमें हम मानव के द्वारा जो धरती पर कार्य किए जाते हैं जिससे वो अपनी आजीविका चलाता है, जीवन यापन करता है, उन सभी क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर वो किस प्रकार बटे हैं, कृषि किन समाजों में की जाती है, किन क्षेत्रों में की जाती है, उद्योग धंधे कहाँ ज़्यादा हैं, आर्थिक क्रियाएं, सेवा क्षेत्र जो है वो कहाँ ज़्यादा है, किन समाजों में ज़्यादा है, किस तरह उसका वितरण है। तो आर्थिक भूगोल में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का क्रमबद्ध और प्रादेशिक स्तर पर व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। यहाँ ध्यान देने की बात है, क्रमबद्ध यानी सिस्टमेटिक एंड प्रादेशिक यानी रीजनल लेवल पर हम डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। अब ये क्या होता है, हम क्रमबद्ध जब भूगोल की बात करते हैं तो क्रमबद्ध आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम नियम बनाते हैं, जैसे कृषि का स्थानीयकरण का नियम है, लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ का जो काम सिद्धांत है वो क्रमबद्ध भूगोल का सिद्धांत है। वहीं जब हम प्रादेशिक स्तर पे, छोटे छोटे स्तरों पर, जैसे यदि हम बात करें गंगा का मैदान है या हमारा जो सिंधु सतलुज का मैदान है, यहाँ पर किस प्रकार की खेती होती है, तो जब हम किसी प्रादेशिक स्तर पर कार्य करते हैं तो उसे हम प्रादेशिक भूगोल कहते हैं। हर आर्थिक गतिविधि किसी के खास स्थान पर केंद्रित होती है, वो खास स्थान कौन सा है इसके अध्ययन के लिए हम विभिन्न सिद्धांतों के निर्माण करते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, और इस बात की कोशिश करते हैं कि सामान्यकरण किया जाए यानी जनरलाइज किया जाए, उसकी थ्योरी बनाई जाए। आर्थिक भूगोल की मदद से हम आर्थिक गतिविधियां जैसे उद्योग और कृषि की अवस्थिति के सिद्धांत बनाते हैं। इन सिद्धांत बनाने से क्या होता है बच्चों, हम भविष्य में उनके नियोजन के लिए महत्वपूर्ण कार्य कर पाते हैं, हम अपने नियोजन की गतिविधियाँ आगे बढ़ा पाते हैं। मानव अपनी आजीविका चलाने के लिए विभिन्न कार्य करता है जिसमें कुछ उसके उत्पादन के कार्य हैं, कुछ वितरण के कार्य हैं, कुछ उपभोग के कार्य हैं, कुछ विनिमय के कार्य हैं। ये आर्थिक गतिविधियां हैं जिससे वो अपना जीवन चलाता है, अपने परिवार का जीवन यापन करता है। तो इन सिद्धांतों का हम अध्ययन करेंगे आर्थिक भूगोल के अंतर्गत। अब यदि हम आर्थिक भूगोल का अर्थ देखने की कोशिश करें, आर्थिक भूगोल मूल रूप से दो शब्दों के मेल से बना है, यानी आर्थिक और भूगोल। आर्थिक यानी आर्थिक जो शब्द है वो उसकी विषय वस्तु है और भूगोल जो है उसकी अध्ययन पद्धति है, यानी हम आर्थिक भूगोल में मानव द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्रीय वितरण को हम देखेंगे। तो इस प्रकार आर्थिक भूगोल पृथ्वी पर मानव द्वारा किए जाने वाले आर्थिक गतिविधियों के समय और क्षेत्र पर वितरण का अध्ययन का विज्ञान है। भूगोल का वह पक्ष जिसमें आर्थिक वितरण के प्रतिमानों और कारकों एवं प्राक्रमों का अध्ययन किया जाता है उसको हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। साधारण शब्दों में यदि बच्चों समझने की कोशिश करें तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम मानव द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाएँ, प्राथमिक क्रियाएँ, द्वितीय क्रियाएँ, तृतीय क्रियाएँ, चतुर्थ क्रियाएँ, पंचम क्रियाएँ, ये सारी क्रियाएँ वो क्यों करता है, किस जगह वो की जाती है और उसके जीवन का उद्देश्य क्या होता है, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों के क्षेत्रीय प्रारूप का भी अध्ययन किया जाता है, यानी एक क्षेत्र किस प्रकार दूसरे क्षेत्र से अलग है। जैसे हम जानते हैं कि कृषि तो समस्त भूगोल, समस्त विश्व में की जाती है, तो किस प्रकार भारत की आर्थिक क्रिया यानी भारत की कृषि विश्व की अन्य प्रकार की कृषियों से अलग है, क्या विशेषताएँ हैं उसकी जो उसको अलग बनाती हैं, इस प्रकार का भी अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल में मृदा, जैव संसाधन, खनिज, ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधनों में संसाधनों, आखेटन, मत्स्य पालन, पशुपालन,
वनों का कृषि, विनिर्माण उद्योग, परिवहन, संचार, वाणिज्य आदि विभिन्न पक्षों पर अध्ययन किया जाता है, और वो किस तरह संगठित हैं, किस क्षेत्र में वो किए जाते हैं, कौन से समाजों में किए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी का हम सम्मिलित अध्ययन करते हैं। अब आता है आर्थिक भूगोल की प्रकृति कैसी है। तो बच्चों, जब भी किसी विषय की हम प्रकृति की बात करते हैं तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसमें अध्ययन किस तरह किया जाता है, क्या वो विज्ञान की तरह अध्ययन किया जाता है या उसमें हम सामाजिक विज्ञान की तरह अध्ययन करते हैं। तो आर्थिक भूगोल एक क्रमबद्ध भूगोल है बच्चों, क्रमबद्ध भूगोल जिसमें मैंने पीछे बताया कि वो विज्ञान की भांति किसी भी आर्थिक गतिविधि के वितरण का अध्ययन करता है। इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि मानव की आर्थिक गतिविधियां कहाँ हैं, क्यों हैं और कैसे की जाती हैं। तो आर्थिक भूगोल कला और विज्ञान दोनों के रूप में देखा जा सकता है, जहाँ कला के रूप में हम आर्थिक भूगोल में आर्थिक गतिविधियों के वितरण का अध्ययन करते हैं कि कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वहीं विज्ञान की भांति हम उनके कारण और परिणाम का अध्ययन करते हैं। हम सभी जानते हैं कि विज्ञान कॉज एंड इफेक्ट का एनालिसिस होता है, तो कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस जो है वो हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार आर्थिक भूगोल में उद्योग तथा अन्य आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति के कारण और परिणाम के स्वरूप में अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल न केवल आर्थिक अवस्थिति के कारण परिणाम बताता है बल्कि नियोजन यानी प्लानिंग में भी मदद करता है। हम ये जानते हैं कि भूगोल एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा विषय है बच्चों, जिसका उपयोग आज हम इकोनॉमिक प्लानिंग में करते हैं, कौन से सेक्टर्स कहाँ बनेंगे, कौन से उद्योग कहाँ लगेंगे, किस प्रकार के शहरों में काम की आवश्यकता है, ये सभी हम भूगोल की मदद से करते हैं। तो आर्थिक भूगोल आर्थिक नियोजन में हमें मदद देता है। इसी प्रकार आर्थिक भूगोल का कला के रूप में यदि हम देखें तो एक मजबूत पक्ष है जिसमें हम वितरण की बात करते हैं, सभी जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किस तरह व्यवस्थित हैं इसको हम देखते हैं। अब आता है आर्थिक भूगोल के क्षेत्र यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी हम आर्थिक भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत एक लंबा चौड़ा कार्य क्षेत्र है बच्चों, जहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ, जिनको हम प्राथमिक आर्थिक क्रियाएँ, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएँ, तृतीयक आर्थिक क्रियाएँ, चतुर्थक और पंचम प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं, इनका हम व्यवस्थित अध्ययन करते हैं और इनके वितरण को भी हम देखते हैं। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि विभिन्न औद्योगिक प्रदेश कैसे हैं, कौन से औद्योगिक प्रदेश लौह इस्पात आधारित हैं, कौन से वस्त्र आधारित हैं, कौन से निर्माण के और उद्योग हैं, व्यापार किन किन नगरों में किया जाता है, व्यापार के क्या मुख्य उद्देश्य हैं। तो इस प्रकार हम आर्थिक भूगोल के अंतर्गत समस्त वो क्रियाएं देखते हैं जो मानव के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उनके वितरण को और उनको सैद्धांतिक रूप देकर हम उनके नियोजन के लिए भी कार्य करते हैं। आर्थिक भूगोल में कुछ मूल प्रश्न हैं जिनके हम उत्तर ढूंढना चाहते हैं, जैसे आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की जाती हैं, आर्थिक गतिविधियां कहाँ की जाती हैं, आर्थिक गतिविधियां क्यों की जाती हैं, आर्थिक गतिविधियां कब की जाती हैं और आर्थिक गतिविधियां कैसे की जाती हैं, इन सभी मूल प्रश्नों के उत्तर हम आर्थिक भूगोल के विषय वस्तु के रूप में देख सकते हैं। आर्थिक भूगोल में कुछ सैद्धांतिक प्रश्न, कुछ विश्लेषणात्मक अध्ययन कर हम उनके उत्तर देने का कोशिश करते हैं। सपोज लौह इस्पात उद्योग की यदि हम बात करें, उदाहरण स्वरूप में बात कर रहा हूँ कि ये छोटा नागपुर के पठार के आसपास केंद्रित है, तो हम अपने आर्थिक भूगोल में इसको सैद्धांतिक रूप में देखते हैं कि क्यों कोई उद्योग कहीं लगता है, फिर हम एक सिद्धांत बनाते हैं। हमारे भूगोल में वेबर का सिद्धांत है जो इंडस्ट्रियल लोकेशन की लीस्ट कॉस्ट अप्रोच पर आधारित है, जो बताता है कि यहाँ पर ये फैक्टर्स हैं जिसके कारण उद्योग यहाँ लगा हुआ है। तो इस प्रकार हम आर्थिक भूगोल एक व्यवस्थित अध्ययन है सभी आर्थिक गतिविधियों, उनके वितरण और उनके सैद्धांतिक पक्षों का। अब आर्थिक भूगोल के अंदर कौन कौन सी शाखाएं हैं, यदि हम आर्थिक भूगोल की शाखा की बात करें तो कृषि भूगोल है जिसमें कृषि की विभिन्न दशाएं, उनके वितरण और उनके प्रकार के वर्गीकरण करते हैं। उसी प्रकार औद्योगिक भूगोल है जिसमें उद्योगों के वितरण, उसको प्रभावित करने वाले कारक, कच्चा माल और उसके वितरण का अध्ययन करते हैं। इसी तरह वाणिज्य भूगोल है जिसमें हम
वाणिज्य यानी व्यापार और परिवहन के साधन व्यापारिक केंद्रों का अध्ययन करते हैं। तो ये तीन मूल उपशाखाएं हैं आर्थिक भूगोल की, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और वाणिज्य भूगोल। ये आप डायग्राम के भी रूप में देख सकते हैं, औद्योगिक भूगोल, वाणिज्य भूगोल और कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल के तीन मुख्य शाखाएं हैं। अब आर्थिक भूगोल में हम अध्ययन किस तरह करते हैं? तो बच्चों, जैसा मैंने पहले बताया कि आर्थिक भूगोल में पहला अध्ययन का आधार होता है क्रमिक अप्रोच, जिसे ट्रॉपिकल अप्रोच भी कहते हैं, इसमें कमोडिटी अप्रोच भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी चीज़ के पूरी धरती पर नियम बनाने की कोशिश करते हैं, विज्ञान की तरह हम पढ़ते हैं, पूरी धरती को एज अ यूनिट होल, एज अ होल यूनिट मान के हम उसका एनालिसिस करते हैं। हम देखते हैं कि चावल कहाँ कहाँ होता है, उसके के लिए क्या आदर्श दशाएँ होती हैं, और उसके स्थानीयकरण की हम बात करते हैं। वहीं जब प्रादेशिक भूगोल की हम बात करते हैं, तो किसी एक छोटे क्षेत्र में जिसको किसी आधार पर बनाया गया था, जिसे किसी क्राइटेरिया पर बनाया गया था, उसके हम विभिन्न आर्थिक पक्षों का अध्ययन करते हैं। वहीं आर्थिक भूगोल का एक सैद्धांतिक पक्ष भी है, जो 1960 के बाद भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति के बाद काफ़ी तीव्र गति से बढ़ा है। आज हमारे पास विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत उद्योगों के लोकेशन से, एग्रीकल्चर के लोकेशन से, विभिन्न और चीज़ों के लोकेशन आधारित सिद्धांत हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी आर्थिक गतिविधि कहाँ केंद्रित होगी। अब यदि हम बात करें कि आर्थिक भूगोल के विषय के जो अन्य हमारे ज्ञान के विषय हैं, जिसमें कुछ सामाजिक विज्ञान के विषय हैं, कुछ विज्ञान के विषय हैं, इनका कैसा संबंध रहा है? तो यदि हम अर्थशास्त्र के साथ देखें, तो सबसे गहरा संबंध आर्थिक जो हमारी भूगोल है उसका अर्थशास्त्र के साथ रहा है। दोनों में काफ़ी समानताएं हैं, अंतर इतना है कि हम उसके क्षेत्रीय प्रारूप को देखते हैं आर्थिक गतिविधियों को, और वो उनके सैद्धांतिक पक्षों पे ज़्यादा जोर देते हैं। वहीं आर्थिक भूगोल और राजनीतिक विज्ञान में भी गहरा संबंध होता है, क्योंकि हमारे आर्थिक संबंध विश्व के अन्य देशों के साथ हैं, तो हम राजनीतिक विज्ञान से प्रेरणा लेकर, उनसे मूल तत्व लेकर हम अपने आर्थिक भूगोल और विश्व के अन्य व्यवस्थाएं, जैसे पूंजीवादी व्यवस्था है या समाजवादी व्यवस्था है, उसकी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यदि हम आर्थिक भूगोल और इतिहास के संबंध की बात करें, तो आर्थिक भूगोल इतिहास की मदद से किसी भी आर्थिक गतिविधि के ऐतिहासिक पक्ष का व्यापक विश्लेषण कर पाता है, और हम इतिहास की ही मदद से कारण और परिणाम की व्याख्या करते हैं। इसी तरह आर्थिक भूगोल का मानव भूगोल के अन्य विषयों के साथ भी व्यापक संबंध है। आर्थिक भूगोल के प्रभाव पड़ता है उसके अध्ययन करने में, हम विभिन्न आर्थिक जो तत्व हैं उसका मानव के अन्य जो विज्ञान हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान है, उनसे तत्व लेकर उनके फिनोमिना को हम स्पेशली एनालाइज करते हैं। इसीलिए आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, मानव विज्ञान के जो सोशल साइंसेज हैं, उनका गहरा संबंध है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आर्थिक भूगोल का सभी अन्य सामाजिक और जो हमारे नेचुरल साइंसेज हैं, जो प्राकृतिक विज्ञान है, उनसे गहरा संबंध है, जिसके कारण हमारा सब्जेक्ट जो है मल्टीडिसिप्लिनरी है। इसमें हम एक से ज़्यादा विषयों के एक साथ संयोजन करके, एक साथ समायोजन करके उसका अध्ययन करते हैं। तो अब आता है आर्थिक भूगोल के महत्व क्या है, क्यों पढ़ते हैं? तो जैसा मैंने पीछे बताया कि आर्थिक भूगोल से हम कृषि की दशाओं का, उसके वितरण का अध्ययन कर सकते हैं, उद्योगों में संसाधन, उनके उत्पादन वितरण का अध्ययन कर सकते हैं। मजदूरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी मदद से हम आर्थिक भूगोल में श्रम के विभिन्न नियम बनाते हैं, विभिन्न सिद्धांत बनाने की कोशिश करते हैं। आर्थिक भूगोल की सहायता से हम व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं, व्यापार की दिशा, उसकी मात्रा और विभिन्न जो आयाम है उसका अध्ययन कर पाते हैं। आर्थिक भूगोल से संसाधनों के उत्पादन क्षेत्र, उनके उपभोग क्षेत्र की विस्तृत जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आर्थिक भूगोल की सहायता से हम सामान्य जन जो हैं, आम जन है, जनरल मास है, पब्लिक है, उसके लिए उसके आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कर और नियोजन कर सकते हैं, गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं, नए नए क्षेत्रों में
नए नए उद्योग और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं। तो इस तरह बच्चों, इस फर्स्ट चैप्टर में हमने उस आर्थिक भूगोल की परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसका स्कोप, उसका नेचर की बात की, हमने उसके महत्व की बात की। ये बहुत ही साधारण सा एक चैप्टर है जिसमें आपको एक ग्लिम्प्स मिलती है कि आने वाले चैप्टर्स में आप क्या पढ़ेंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ें। यदि आपके कोई भी प्रश्न सुझाव हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, जो अपने कॉलेज का ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे आपके प्रश्नों सुझावों का उत्तर देने में बड़ी खुशी होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।